हेलो योगी, हाय, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। ये तुम्हारे लिए। बट यार तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड वो बोरिंग यार, उसका तो नाम ही मत लो, एकदम ओल्ड फैशन है। बट यार है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना। अरे मुझे उससे कभी बॉयफ्रेंड बनाना नहीं था, वो तो पीछे पड़ा तो मैंने चलो हाँ बोल दिया उसको। यार एक बात बताओ, जब तुमको बनाना नहीं था और तुमने उसको हाँ भी बोल दिया, ये तो गलत बात है ना। तुम्हारा और उसका ना कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जैसे कि कहाँ तुम इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हो और वो इतने पुराने बेकार टाइप्स कपड़े पहनता है। अब तुम्हारे पास कार है, उसके पास एक साइकिल भी नहीं है। अच्छा, अब मेरी डिमांड्स होती हैं वो तुम ही पूरी कर सकते हो ना। ये बात भी सही है, मैंने भी सुना है यार, जिसके पास होती है थार लड़कियों का उमड़ आता है प्यार, है ना। देखो मुझे ना इधर उधर की कोई भी बात नहीं करनी है, अब टाइम वेस्ट ना करके मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ, आई लव यू। यार वो तो सही है, तुम यार प्यारी भी हो और क्यूट भी हो। तो फिर टाइम किस बात का, देर किस बात की? लेकिन यार बड़े डिसीजन लेने में ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और आज की डेट में रिलेशनशिप सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो यार तुम जल्दी से आओ मेरी थार में, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। ठीक, जल्दी से। भाई कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। और किसका वेट कर रहे थे यहाँ पे? मैं सिया का वेट कर रहा था, उससे मेरी बात हुई, मिलने वाले थे हम लोग, लेकिन उसको कुछ काम आ गया इसलिए वो कल मिले थे। अच्छा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ। यार गोल्ड डिगर है वो तो। देखो योगी ऐसा है, मैं तुमको अच्छा दोस्त मानता हूँ, उसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगे, और सिया के बारे में तो बिल्कुल नहीं। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी बंदी गोल्ड डिगर है तो क्या करोगे? पहली बात ऐसा हो नहीं सकता, और दूसरी बात अगर तुमने साबित कर दिया तो जिंदगी भर तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। ये पकड़ो मेरी थार की चाबी और सिर्फ 5 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट के बाद पता चल जाएगा कौन सही और कौन गलत। लेकिन एक बात याद रखना योगी, आज के बाद या तो हमारी हमेशा के लिए दोस्ती रहेगी या हमेशा के लिए दुश्मनी। ये तुम्हारे लिए फ्लावर्स, कैसे हैं? एकदम तुम्हारी तरह। बट यार एक बात बताओ, यार तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अगर पता चलेगा तो इसको बहुत दुख होगा ना। क्या यार तुम उस पागल की बात को लेके बैठे हो, और ऐसे लड़कों की किस्मत में ना धोखा खाना ही होता है, और हम जैसी लड़कियां ही उनको धोखा देती हैं। और तुम्हें पता है वो ना मेरे पीछे कुत्तों की तरह रहता है, और वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। इस बात का ही तो फायदा उठा रही हो मुझे लग रहा है तुम। ऐसे लड़कों का ना फायदा ही उठाना चाहिए, मैं ना उसका यूज ही कर रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, एक होना चाहिए, कभी मुझे नीड हो, हेल्प हो साइड में, उस टाइप से मैं उसका नौकरों की तरह यूज करती हूँ। मैं उसे कोई प्यार व्यार थोड़ी ना करती। गलती से भी ये बात उस तक पहुँच गई तो उसका दिल बहुत टूट जाएगा, सच में पर्दाफाश हो जाएगा। वो इतना भोला है ना कि मैं उसको अपनी बातों में ले ही लूंगी। बहुत अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ कहने सुनने की जरूरत? तुम यहाँ कैसे आए? ये बात तो अब गाड़ी के बाहर खड़े होके आराम से कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये बताने की भी जरूरत है कि तुम्हें कैसा लगा। ये तो झूठ बोल रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। निकलो बाहर। देखा यामिन भाई, मैंने बोला था ना कि तुम्हारी बंदी गोल्ड डिगर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट है ना? तुम चुप रहो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और तुम्हारी बात पर ट्रस्ट करके तुम सोचती हो कि मैं जो चश्मा मैंने पहले लगा रखा था वो दोबारा लगा लूं और जिंदगी अपनी बर्बाद कर लूं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट है ना? खामोश, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है, ना कॉल ना मैसेज। यार अब फ्लावर का क्या करूं? वो तो चला गया, अभी फ्लावर तुम ही रख लो ना। यार रख तो लेता, लेकिन यार इन फ्लावर में से ना प्यार की खुशबू चली गई अब, और तुम्हें तो पता ही है अगर प्यार की फीलिंग्स ना रहे तो फिर इन फ्लावर्स का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा है, अब तुम भी निकलो।
लोगों का प्यार कोई बैंक की EMI नहीं कि ऑटो कट, जब चाहो डिडक्ट मार दिया।